तो भाई लोग, कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दबंग 3 का फिल्टर यूज़ करके आप अपने लिए वीडियो कैसे बना सकते हैं और अपने जो सोशल मीडिया साइट है वहाँ पर कैसे शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको प्ले स्टोर में जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है स्नैपचैट। तो मैंने इसको जो है डाउनलोड कर रखा है, इसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो इस तरह का जो है ये एप्लीकेशन है। इसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे फिल्टर आएंगे। आप अगर पहली बार अगर इस ऐप को अगर इंस्टॉल करें हैं तो शायद आपको जो है ये इसमें जो है दबंग 3 का फ़िल्टर नज़र नहीं आएगा। मैंने जो ऑलरेडी दबंग 3 का फ़िल्टर जो है डाउनलोड किया है, तो आपके अगर नज़र नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से सर्च में आप जाके यहाँ लिख सकते हैं दबंग 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ दबंग 3, तो इसको जो है आप ट्रायल लेंस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा और उसके बाद में जो है आप अपना वीडियो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ प्रेस करके रखिए और गाना चालू हो जाएगा। तो भाई लोग, इस तरह से जो है आप अपने लिए भी वीडियो बना सकते हैं दबंग 3 का फिल्टर यूज़ करके, और सोशल मीडिया पे फेसबुक, व्हाट्सअप या किसी भी टिकटॉक पे वगैरह पे जो है आप छोड़ सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।